Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, family, friends and viewers. Today I'm going to share, welcome to Masuda Khan's kitchen. Today I'm going to share about garden, how to grow tomato. So I will really share with you. I love to share with you. And you know, weather is really changing and I have to bring my plant inside. So before you know, I have to show you how to grow tomato. Nazreen, आप देख सकते हैं मैं मसूदा खान के किचन में गार्डन में आपका इस्तकबाल है. मैं कैसे अपने घर के अंदर और एक घर के बाहर कैसे प्लांटिंग करती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हर इंसान कर सकता है. थोड़ी सी मेहनत इंसान करे तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है. और आपको दिखाती हूँ मैं कि कैसे मैंने ये ग्रो किया है. ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मेरा ये जो है टमाटो सीड्स है. ये एक 1.5 months अगो आई एक्चुअली पुट इट इन माई पॉट. यू कैन सी माई पॉट, सोयल पॉट. एंड नाजरीन देख सकते हैं ये मैंने इसमें डाला है गमले में. और आई हैव हियर फर्टिलाइजर इज दिस इज टी लूज टी. व्हेन आई यूज द टी देन आई डिन थ्रो इन द गार्बेज एंड एग शेल. सो आई एम यूजिंग द फोर फर्टिलाइजर एंड आई एम यूजिंग द आई यूज दिस बट लाइक यू कैन इफ यू डिपेंड्स ऑन यू नो वेयर आर यू लिविंग. वेदर इज हॉट यू कैन स्टिल डू दैट बिकॉज यू नो टमाटो और वेजिटेबल डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर. सो जस्ट यू कैन ग्रो दैट इफ वेदर इज रियली वार्म एंड यू कैन डू दैट. सो एनी वे जस्ट आई एम शोइंग दैट 1.5 months अगो आई हैड लेफ्ट ओवर सोयल इन माई पॉट. सो आई पुट इट इन हियर अल्हम्दुलिल्लाह. आई जस्ट सेड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज गिविंग मी अ फ्रूट. सुबहानअल्लाह, आई कैन नॉट से इनफ थैंक्स to subhanallah taala. And you know tomato is a risk too, and I just try my best on making dua and I have no power to doing that. Allah subhanahu wa taala is doing. And look at my fruits, alhamdulillah is having my tomato here. And नाजरीन आप देख सकते हैं एक महीने से पहले मैंने 1.5 months ago मैंने बीजों को हमेशा फेंक देती थी मैं. और ये देखें मैंने इसको मिट्टी में डाला, मेरे पास गमले में मिट्टी थी तो इसको मैंने बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह करके मैंने डाल दिया इसको. और यहाँ पे मिट्टी में मैंने वो डाला था चाय की पत्ती जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, तो इसको मैंने धो करके और गमले में मैंने एक पॉट में रखा या किसी चीज़ में भी रख सकते हैं. मैंने प्लास्टिक में इसलिए रखा कि धोने में आसानी होती है बिकॉज यू नो एंड आई हैव उसमें शेल जो है वो क्या बोलते हैं इसको अंडा शेल जो है उसको फेंकने के बजाय इसमें कैल्शियम होता है तो उसको मैंने फर्टिलाइजर बना लिया है. मैंने जिसको हम लोग खाद बोलते हैं अपने मुल्कों में, तो ये खाद बनाई हूँ मैं और इसको 3-4 दिन में जमा हो जाता है. मैं सब प्लांट में डाल देती हूँ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी कि दूसरे प्लांट को मैंने कैसे किया है और अल्लाह ताला ही ने किया है ये. तो ये मेरी जो है आज की वीडियो है आप लोगों के साथ. आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. इफ़ यू केयर अबाउट योर पीपल शेयर. एंड दिस इज सदका जारिया, इज़ नॉट जस्ट फॉर फन. एंड इफ़ यू हेल्प मी एंड अल्लाह विल हेल्प यू. एंड इफ यू केयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नेबर टू यू हैव टू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू एंड नेक्स्ट टाइम. नाजरीन आप जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी एक दूसरे की मदद करें, केयर करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं और अच्छा काम बताएं, रेसिपी शेयर करें, जो भी आपको आता है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया शेयर करें. क्योंकि ये सदका जारिया, इंसान दुनिया से चला जाएगा, रह जाएगा, उसका अच्छा आमाल वो अल्लाह ताला को अच्छा करने वाला पसंद है. अल्लाह ताला को हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो एक जानवर भी अपने ही अपना पेट पालता है, लेकिन वो इंसान है जो अल्लाह ताला ने भेजा ही है इंसान को अशरफुल मखलूक.